Hello everyone, welcome to Lead State. So first of all, a very happy Diwali to everyone. I hope this Diwali brings a lot of joy, happiness, health and wealth to you and your family. काफ़ी अच्छा रहे and मैं ये भी wish करता हूँ कि next year आप अपने dream भी school में अपना next जो Diwali होगा वो आप celebrate कर रहे हो. इसी के साथ में आज कुछ important points जो आपके लिए important रहेंगे last month में, और शायद आप लोग already उसको follow कर रहे होंगे या शायद नहीं कर रहे होंगे. I will suggest you to follow them. सो दैट आप इफेक्टिवली जो यूजेज हमें करना होगा लास्ट वन मंथ का वो आप कर पाओ, उस एफिशिएंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आ जाए. ठीक है, आई बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थ्री सेक्शंस, वीएआरसी, डीएलआर एंड क्वांट्स, व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, सारी चीजें इसमें कवर अप करने का ट्राई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी सारे लोगों की जो क्वेश्चन है कि यार मेरे मॉक्स में पहले मार्क्स अच्छे आ रहे थे, एकदम से दो तीन मॉक्स में खराब हो गए हैं, कॉन्फिडेंस नीचे चला गया है, वो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं, मुझे तो डर लगता है मॉक्स देने से. तो इस तरह के काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज होते हैं. मैंने बहुत समझाने का ट्राई करा लेकिन फिर भी हर डे नए स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चंस के साथ में आते हैं. तो मैं इस बात को बहुत क्लियरली कवर अप करने का ट्राई करूंगा कि आपको क्या करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है आपका, वो आपको टेस्ट में अपीयर करना है. अगर आप अभी भी इस डर से बैठे हो कि यार मैं टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो कि जिससे अगर आप बाहर नहीं निकले तो आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा. तो आपको उस ट्रैप से निकलना होगा. अगर आप चाहते हो एग्जाम क्लियर करना तो आपको मॉक्स देना, टेस्ट देना, सेक्शनल देना स्टार्ट करना पड़ेगा. उसके बिना कोई वे आउट नहीं है. जब तक आपने अपना स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट नहीं करा, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट. आपकी चीजें इंप्रूव ही नहीं होंगी जब तक आपका प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं हो रहा है. ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं तीनों सेक्शन के लिए, वीएआरसी, डीएलआर, क्यूए. वीएआरसी एंड डीएलआर में ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्रोसेस है जो फॉलो होने वाला है. QA में थोड़ा सा अलग है, तो पहले मैं QA रिलेटेड बात कर देता हूँ, देन उसके बाद में मैं VRC एंड LRDA रिलेटेड आपको पॉइंट्स बता दूंगा. शॉर्ट रखने का ट्राई करूंगा सो दैट आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी बता पाऊँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टॉक अबाउट QA, ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू VRC एंड DLR इन टर्म्स ऑफ सिलेबस. क्यों? QA में हमारे पास एक सेट सिलेबस है कि यार अगर हम ये टॉपिक्स करते हैं, हमें एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक में, दो से तीन क्वेश्चन इस टॉपिक में, ऐसा हमें एक आइडिया है कि हमें यहाँ यहाँ से ये मिल जाएगा. तो QA में हमारा जो एक चीज़ होती है ना कि यार मुझे कंट्रोल कितना है इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपका QA में हो सकता है. क्यों? क्योंकि मान लो आपने अरिथमेटिक पढ़ लिया, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, तो टाइम एंड वर्क का अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा है तो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है यू विल बी एबल टू हैंडल इट, तो आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो. मान लो अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका स्ट्रॉन्ग है, मान लो लॉग्स आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने उसमें इतना प्रैक्टिस कर लिया कि अगर कोई क्वेश्चन आता है यू विल बी एबल टू क्रैक इट. इवन इफ डिफिकल्ट होगा तो शायद मे बी टाइम ज़्यादा लग जाए, आप उसको अवॉइड करना चाहो एग्जाम में, बट हाँ आपको इस सेंस का नॉलेज रहेगा कि यार मुझे ये करना है या नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो QA में अपना प्रिपरेशन. तो QA में कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपको अपना रिवीजन इंटैक्ट रखना है. रिवीजन इंटैक्ट रखने का मतलब ये है कि यार कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है यार मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, तो आपको उसको रिवाइज कर लेना है, उस पर थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कोई टॉपिक आपके माइंड से निकले ना. ऐसा ना हो कि ऑन द स्पॉट जब हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं मॉक में, तो हमें लगे यार ये तो मुझे आता था, यार एक स्टेप शायद एक स्टेप में अटक रहा हूँ मैं, मुझे आता था ये, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे ये छोटी सी चीज भूल रही है, वैसा वाला नहीं होना चाहिए. QA में आपका रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करने का सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे होता है कि जब आप मॉक्स देते हो, मॉक के बाद में एनालिसिस आउट होता है, तो ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर ओन. अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब आपको सारे कंसेप्ट जो रिकॉल हो गए. अगर आप नहीं कर पाए तो आप अपनी क्लासेस को या असाइनमेंट्स को गो थ्रू करोगे उस टॉपिक के रिलेटेड, एंड आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा. तो QA में आपका प्रिपरेशन ये है कि जो भी आप मॉक दे रहे हो या सेक्शनल दे रहे हो, स्ट्रेटजी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है. आपको ज्यादा चीज इस पे अटैक रखना है कि यार मुझे सारी चीजें याद हो, भूल ना जाऊं मैं ऑन स्पॉट, ऐसा ना हो कि मेरे साथ सॉल्विंग ही ना हो पा रहा हूं. ठीक है, अगला बात करते हैं DLR एंड VARC की. अब इसके लिए कोई सेट सिलेबस नहीं है, हमें पहले से पता है. DLR के लिए फिर भी कह सकते हो कि यार हाँ ये टॉपिक या ये टॉपिक, बट VARC के लिए तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि यार यहाँ पर क्या होगा. तो हमारा जो स्ट्रेटजी बिल्डिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू टॉक अबाउट VARC और DLR सेक्शन, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक जो चीज मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, बार बार रिकमेंड करता हूँ, बट फिर भी स्टूडेंट्स फॉलो ना करके रोते रहते हैं, और वो रोते ही रहेंगे अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, वो ये है, जब भी आपने कोई मॉक दे दिया, इवन इफ मैं कोई RC की बात करूं, इवन इफ मैं कोई VA की बात करूं, इवन इफ मैं कोई LR की बात करूं या DI की बात करूं, आपको अपने आप से उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड करना है ड्यूरिंग द एनालिसिस. वो टाइम मे बी हाफ एन आवर हो पर क्वेश्चन, मे बी वो 1 आवर हो पर क्वेश्चन, मे बी वो 2 आवर्स हो पर क्वेश्चन. अगर आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो, आपको देना पड़ेगा भाई, एक टाइम पे आपको इतना टाइम देना होगा सो दैट आपकी चीजें इंप्रूव हों, आप बेटर लेवल पे सॉल्विंग जो वो कर पाओ. आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर सकते हो, बट जो टाइम स्पेंड है, अगर आपने क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करा किसी क्वेश्चन के साथ में, तो आप ये भूल जाओ कि आपसे एग्जाम कंडीशन में जल्दी सॉल्विंग होगा. एक सिंपल कॉमन सेंस वाला पॉइंट है,
हम चाहते हैं हम 40 मिनट्स के अंदर, DSLR की बात करें, VRC की बात करें, 40 मिनट्स के अंदर, मान लो मैं बोल रहा हूँ यार मैं 2 से 3 पजल सॉल्व कर पाऊँ, और मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ एनालिसिस के टाइम पे क्या आप सारे को सारे क्वेश्चन खुद से बना पाते हो, बोलते हैं नहीं 2 से 3 ही बन पाते हैं एनालिसिस के टाइम। भैया अगर विदाउट टाइम लिमिट आप 2 से 3 क्वेश्चन ही बना पा रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप 40 मिनट्स के अंदर एग्जाम कंडीशंस में इतने प्रेशर सिचुएशन में 2 से 3 पजल बना लोगे, कैसे पॉसिबल है? अगर विदाउट टाइम लिमिट नहीं बन रहे हमसे तो हम लोग विद टाइम लिमिट कैसे बना लेंगे? तो टाइम लिमिट के अलावा अगर आप सॉल्विंग कर रहे हो, एनालिसिस टाइम सॉल्व कर रहे हो, अगर 4 पजल हैं, इवन 5 पजल आते हैं, पैटर्न में कुछ चेंजेस होता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द सेम, बट जो भी है बॉक्स में जैसे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं यू नीड टू सॉल्व देम ऑल ऑफ देम ऑन योर ओन। कोई एक क्वेश्चन ऐसा है 10-15 पजल्स आपने करे, एक अटक गया और इस लेवल पे अटक गया कि वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, देन यू कैन मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस। बट अगर आप यार हर पेपर में 1 से 2 पजल आप सॉल्यूशन से रेफरेंस ले रहे हो तो आप नहीं क्रैक कर पाओगे यार एग्जाम में। आप 2 से 3 पजल भूल जाओ, नहीं निकलेगा अगर आप एनालिसिस के टाइम में खुद से नहीं कर रहे हो, वो सिंपल बात है। विदाउट टाइम लिमिट जो है अगर नहीं हो पा रहा है तो टाइम लिमिट के साथ तो कैसे ही होगा, नॉट पॉसिबल। अब बात आ दिया, ठीक है DLR में मैंने जो है सॉल्विंग कर लिया, दैट इज फाइन। अब बताओ आगे क्या करा जाए DLR में। अब आपका जो एम है ना वो विदाउट टाइमर प्रैक्टिस का नहीं होना चाहिए। विदाउट टाइमर प्रैक्टिस का सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको करना है, एनालिसिस के टाइम में विदाउट टाइमर प्रैक्टिस आप सॉल्व कर रहे हो चीजें, बट अपार्ट फ्रॉम दोज मॉक्स, आप एनालिसिस के टाइम पे जो मॉक्स सॉल्व कर रहे हो अगर मैं उसको छोड़ दूं तो उसके अलावा कोई भी DLR सॉल्विंग आपके लिए मैटर नहीं करती है। मैं बोल दूं यार आपको कोई पजल मिला, कहीं से भी मिल गया, टुकड़ों में कहीं पे मिल गया, आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आपको लग रहा है यार मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा, नहीं कोई फायदा नहीं है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करो। टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस में मेरा कहने का मतलब है सेक्शनल्स और फुल लेंथ मॉक्स, सेक्शनल्स और फुल लेंथ मॉक्स। उसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप अगर सेक्शनल दे रहे हो आप अपना स्ट्रेटजी अप्लाई करने का ट्राई करोगे, और स्ट्रेटजी में भी हमारे पास ऐसी चीज है कि DLR में आप कोई एक पजल पिक करते हो, आप दूसरे पे मूव करते हो, तीसरे पे मूव करते हो विदाउट टाइम लिमिट, तो देखो कर ही लेते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आते हो, बट विद टाइम लिमिट के साथ में प्रॉब्लम्स है। तो अगर विद टाइम लिमिट प्रॉब्लम है सेक्शनल्स और फुल लेंथ मॉक्स देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप बार 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 स्ट्रेटजीज अपने अप्लाई करके देखो और देखो कि क्या आपके लिए वर्क कर रहे हैं। देखो मैं 2 स्ट्रेटजीज जनरली प्रेफर करवाता हूँ। एक है स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट सारे पजल्स को चेक करो, उसमें से जो सॉल्व होने लायक लगते हैं उनको सॉल्व करो। और मैंने ये भी बोला है कि 4-4 वाले जो पजल्स हैं वो कंपैरेटिवली इजियर बनते हैं एज कम्पेयर टू 6-6 वाले पजल्स के। तो अगर आप चाहते हो कि यार मेरे से एक भी नहीं बन पाता या एक में ही मैं अटक जाता हूँ तो पहले अपना टारगेट 4-4 पजल्स पे कर सकते हो। दूसरा वे मैं बताता हूँ कि यार जो क्वेश्चन आपके सामने आया, पजल आपने पिक करा, आपके सामने पजल आया, आप पहले से एक प्री डिफाइंड टारगेट रख लो कि यार 5 मिनट इस पजल पे मुझे देना है या 6 मिनट देना है। अगर 6 मिनट में मैं या 5 मिनट में मैं इस पजल के साथ आगे बढ़ पा रहा हूँ देन आई विल कंटिन्यू दिस पजल, अदरवाइज मैं लीव करके दूसरे पजल पे पिक कर लूंगा। अब इस मेथड के साथ फायदा ये है कि आप चारों के चारों पजल या 5 जितने भी आते हैं वो सारे के सारे गो थ्रू कर लोगे, क्योंकि आपने एक टाइम लिमिट जो है डिफाइन कर दिया कि इससे ज्यादा मुझे टाइम जो है नहीं देना है। तो अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा स्ट्रेटजी वर्क करता है। बहुत सारे लोग फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करते हैं, बहुत सारे सेकंड भी यूज करते हैं। जनरली सेकंड स्ट्रेटजी जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है जो लोग बिल्कुल ही सॉल्विंग जो नहीं कर पाते, वो उनको एक पजल मिल जाता है ऐसा वो सॉल्व कर लेते हैं, देन एक सॉल्व होने के बाद में दूसरे पे अटैक कर पाते हैं। जिनका बिल्कुल भी सॉल्विंग नहीं हो रहा उनके लिए सेकंड अप्रोच जो है वो कई बार ज्यादा वर्क करता है। फर्स्ट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट नहीं करेगा, बट सेकंड कई बार ज्यादा वर्क करता है। तो आपको मॉक्स और सेक्शनल तो देने हैं, उनमें अपना स्ट्रेटजी बिल्डिंग के ऊपर वर्क करना है कि मेरे लिए कौन सा स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है। और बार बार जो चीज बोली जाती है आपको एक पजल के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत ही गलत वे है DLR सेक्शन में, और ऑप्शंस को क्वेश्चंस को रीड ना करना वो भी बहुत ज्यादा गलत वे है। अगर 6 वाला क्वेश्चन आ रहा है या 4 वाला क्वेश्चन आ रहा है आपको 4 के 4 क्वेश्चंस रीड करने हैं, 6 वाला क्वेश्चन आ रहा है तो 6 के 6 क्वेश्चंस रीड करने हैं व्हाइल सॉल्विंग, सो दैट आपको अगर क्वेश्चन से कहीं हिंट मिलना है तो आप वो हिंट ले पाओ एंड आगे आप रीड कर पाओ, ठीक। देन इफ यू टॉक अबाउट VRC DLR पे भी वापस आऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा कहां से क्या प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें आपके सामने आएंगी। रुको अभी VRC के लिए सेम चीज चाहती है, विदाउट टाइम लिमिट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो दैट इज ओनली फॉर द एनालिसिस सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मॉक। विदाउट एनालिसिस आपको कोई भी प्रैक्टिस विदाउट टाइमर नहीं करना चाहिए, आपके लिए उतना फायदा होगा नहीं। इस टाइम पे आपका मेन मोटिव है या सेक्शनल या मॉक दिया जाए, उसमें स्ट्रेटजी अपना अप्लाई किया जाए, देखा जाए कि क्या वो अप्लाई होकर वर्क कर रही है। और कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप चेंज करते हो तो कम से कम उसको 2 से 3 मॉक्स में अप्लाई करो बिफोर चेंजिंग द स्ट्रेटजी। एक मॉक में आपको नहीं पता चलेगा, मे बी वो मॉक ईजी बनाओ या टफ बनाओ तो आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क हुई या ना हुई आपको नहीं पता चलेगा। 2 से 3 मॉक्स आपको कम से कम या 2 से 3 सेक्शन पे कम से कम वो स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, देन ओनली यू कैन जज वेदर दैट स्ट्रेटजी वर्क फॉर यू और नॉट, ठीक है। अब बात आती है कहाँ से करें यार इतना प्रैक्टिस, VRC DLR QA। मोस्टली स्टूडेंट्स जैसे IMS का टेस्ट सीरीज लिया है या टाइम का या CL का, तो सेक्शनल्स उस लेवल पे नहीं मिलते हैं आपको कि यार अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल जाए। इवन इफ अच्छी क्वालिटी का ना भी मिला हो स्ट्रेटजी बनाने के लिए ठीक है आप दे सकते हो,
बट अगर बहुत ही ज्यादा बुरी क्वालिटी है, आपको लग रहा है यार ये रिलेटिव नहीं है कैट के, मुझे वो फीलिंग नहीं आ पा रहा है, तो बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि उनके जो अनप्रॉक्टेड मॉक्स होते अनप्रॉक्टेड मॉक्स को, मान लो आपको वीएआरसी और डीएलआर का प्रैक्टिस करना, आपका क्यूए सही चल रहा है, या आपको डीएलआर एंड क्यूए का प्रैक्टिस करना, आपका वीएआरसी सही चल रहा है, आप टाइम भी सेव करना चाहते हो और टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट वे है ना, जैसे मान लो अनप्रॉक्टेड मॉक, आपको वीएआरसी का प्रैक्टिस करना है, डीएलआर एंड क्यूए आपका सही जा रहा है, आपको स्ट्रेटजी पे बिल्ड स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, तो आप अनप्रॉक्टेड मॉक खोलो, वीआरसी अटेम्प्ट करो, डीएलआर एंड क्यूए को छोड़ दो, अब मत अटेम्प्ट करो, पेपर सबमिट होगा, आपके पास एनालिसिस आउट हो जाएगा, अब वीआरसी का देख पाओगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी वर्क किया या नहीं, वही डीएलआर का पेपर जो अनप्रॉक्टेड है, मे बी वो अच्छा बनाओ मे बी ना बनाओ, बट अपने को अगर प्रैक्टिस ही वीआरसी का ज्यादा करना है, तो मैं डीएलआर एंड क्यूए के लिए जो ऑलरेडी कर रहा हूँ या ऑलरेडी मेरी चीजें चल रही है, मैं उनके ऊपर वर्क करूंगा, रेदर देन कि मैं अनप्रॉक्टेड मॉक्स भी सारे के सारे पूरे देने लग जाऊँ, तो इट्स अप टू यू कैसे आप उन मॉक्स को यूज करना चाहते हो, वैसे भी वो वेस्ट हो रहे हैं, तो वेस्ट होने से बेटर है कि उन मॉक्स को इस तरह से यूज करा जाए कि आपके वो काम आ जाए, ऐसा ना होना कि हम अनप्रॉक्टेड मॉक्स में पूरा मॉक दे रहे हैं और हमारे लिए वैल्यूएशन नहीं कर रहा, बट फिर भी हम लोग पूरा मॉक दे रहे हैं जस्ट बिकॉज हम लोग कोई और मॉक दे नहीं रहे, हमारे पास कोई और मॉक अवेलेबल नहीं, तो वीएआरसी के लिए अगर आपको यूज करना है वीएआरसी अटेम्प्ट करो, डीएलआर क्यूए छोड़ दो, मे बी आपको डीएलआर और वीएआरसी अटेम्प्ट करना हो तो वीएआरसी एंड डीएलआर अपना स्ट्रेटजी ट्राई करो कि वर्क करा या नहीं करा, क्यूए छोड़ दो, आप ऐसा कर सकते हो, ये एक सजेशन है मेरे एंड से कि आप अपनी ये चीज अडेप्ट कर सकते हो, अगर आपको है कि यार मुझे तीनों ही सेक्शन पे वर्क करना है और आपके पास मॉक्स अभी अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेक दोस मॉक्स, आपको अननेसेसरी अलग अलग टेस्ट सीरीज बाय करने का जरूरत नहीं है, कि इस टाइम पे आप दो तीन और टेस्ट सीरीज जो है वो बाय करने का सोचो, उतना पैसा भी नहीं है कि स्पेंड कर पाओ और ऑब्वियसली आप यूज भी नहीं कर पाओगे उनको अच्छे से, तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगा, आपको जो है वीएआरसी डीएलआर मोस्टली फोकस करना है मॉक्स के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, स्ट्रेटजी बिल्डिंग पार्ट के ऊपर, रिविजन जैसा कुछ नहीं है कि आप ओल्ड पजल्स को उठाकर दोबारा सॉल्व कर रहे हो, दैट इज ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है। एक जो चीज मैं साथ में एड ऑन करना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि डीएलआर के लिए पास्ट ईयर के पेपर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से इनके आपको अपडेट्स मिलना स्टार्ट होंगे, पूरा पेपर एक साथ, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है उन पजल्स के रिलेटेड, रिलेशन में कौन सा पजल सामने आने पे मेरे माइंड में क्या क्या चीजें स्ट्राइक करेंगी, कौन सा पजल जो है मैं पहले राउंड में करना चाहूंगा, कौन सा सेकंड राउंड में करना चाहूंगा, मैं सारी की सारी चीजों का इनपुट डालने का ट्राई करूंगा वीडियो के अंदर, सो दैट आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए कि यार अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या आपके माइंड में वो सेम चीजें आ रही हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं, या कुछ अलग आ रही हैं, या किस बेसिस पे आपने वो जज करा कि वो मुझे पजल अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, तो वो सारी चीजें जब आपस में आप रिलेट करने का ट्राई करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो क्या वो सही चल रहा है या अभी उसमें कुछ गड़बड़ है, तो मैं जो है वो पूरा पेपर लेकर आऊंगा और कैसे कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या एक ठीक ठाक वे हो सकता है अटेम्प्ट करने का कि आप डिसेंट परसेंटेज लेकर आ पाओ, तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। That will be all from my side for today's video. मैं बस ये suggest आपको करना चाहूँगा कि unnecessary activities में अपना time बर्बाद मत करना, और ये सोचने में कि यार अभी तक मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आए तो कैट में मैं क्या ही उखाड़ लूंगा, ऐसा सोचना बहुत गलत है यार। होता क्या है ना, अंदर की बात ये है कि इस टाइम तक आते आते बहुत सारे लोग हो जाते हैं एग्जॉस्ट, वो छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, तो वो रेस से बाहर होते जाएंगे, हर एक दिन में एक नया स्टूडेंट रेस से बाहर होता जाएगा, तो जो एंड तक लड़ता रहेगा उसके चांसेस हैं एक्सेल करने के, वो आगे बढ़ सकता है। अभी भी टाइम है, कुछ पता नहीं होता यार कब फाइन ट्यून होता है, कब फाइन ट्यून हो जाए आपको नहीं पता, मे बी एक मॉक लगे आपका इतनी चीजें इस लेवल पे फाइन ट्यून हो जाए कि आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे पहुंच जाए, और वो कॉन्फिडेंस ही चाहिए क्रैक करने के लिए, चीजें आपको आती हैं, ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, स्पेशली अगर मैं डीएलआर सेक्शन की बात करूं, ऐसा देखो नहीं होता है, अगर आप मुझसे पढ़े हुए आपने क्लासेस सारे ढंग से करे हुए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि चार में से आप तीन पजल जो है वो किसी भी दिन पे ना बना पाओ, अब बनाने की सिचुएशन में हो, बात है कि क्या हम लोग काम रह पाए, क्या हमने हड़बड़ाकर चीजें खराब तो नहीं कर दी, अगर काम रह पाए कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा होगा तो आप कर जाओगे, अपने ऊपर भरोसा रखने का जरूरत है। कोहली भाई साहब ने जिस सिचुएशन से कल मैच जिता दिया भाई, अगर वो हो गया तो कुछ भी हो सकता है, आप भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडेज वीडियो, अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरी वन, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू, बाय बाय।